Nathula 47 km, Changu 38 km. So what's up people, this is Arjun here and once again welcome back to my YouTube channel Desi Vlogger. So how are you guys? Hope you are all good and good. We are taking a ride here and we are now getting out. And इसी रीजन पर बैठ रहे तो क्यों आया छांगू एंड बाबा मंदिर के दर्शन करके आए गए घर. वैसे ये साल का मेरा पहली बार होगा एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम. इस साल तो और तावर तो ये तो शुरुआत है क्योंकि अक्टूबर के बाद तो और विंटर लगने को एंड स्नोफॉल बर्फबारी बहुत कुछ दिखाने को है. जाकर दिखाते ऊपर एंड दर्शन लेकर फिर नीचे उतरते हैं. साथों साथ एक सीनिक ब्यूटी के साथ हम इन रास्तों को इंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे विद माई बेस्ट. चलिए राइड को शुरू करते हैं एंड यहाँ तक हमने ना रिकॉर्ड तो की बट माइक बिना लगाए एंड यहाँ पर आके मुझे पता चला माइक कनेक्ट नहीं था. तो जितना भी अभी फुटेज गैंगटॉक बाजार का था ना रुपेन भाई के साथ भी था तो रुपेन भाई ने हमें पास दी एंड वी ऑल गुड टू गो. दादी अम्मा पैसा गिन रही है मेहनत का कमाई. वो सब कुछ बतिकुल एंड अभी हम चेक पोस्ट क्रॉस करके आगे बढ़ रहे टुवर्ड्स छांगू एंड यहाँ का मौसम को चेक करेगा. इट्स अ ब्यूटीफुल एंड इट्स अ लवली कि बारिश ना हो. बारिश होगा तो फिर दिक्कत होगी. वो मज़ा हम नहीं ले पाएंगे राइड के दौरान. हाँ अगर इस तरीके का मौसम है ये ग्लूमी है तो यार मतलब दिस इज़ काइंड ऑफ माई फेवरेट. सो यहाँ से यह लेफ्ट लेने का एंड नया रास्ते होकर आगे बढ़ने का. अगर वो राइड तो अभी जाने को शायद मिलेगा ही नहीं बट पहले वो हुआ करता था. ओ ये चक्कर है दृश्य अम्बो डेंजर डेंजर. यही तो है मनसून में देखने को. बाकी कुछ दिखे या ना दिखे बट लैंडस्लाइड एंड ऑल पूरा भित्ता ही चरक गया नीचे आ गया भाई. मॉनसून में गाइस मैं राइड करना प्रेफर करता हूँ. हाँ अंटिल अनलेस रोड कंडीशन ब्लॉक ना हो लैंडस्लाइड ना हो क्योंकि मॉनसून में जो खूबसूरती देखने को मिलता है ये अलग ही बात होती है यार. सही बता रहा हूँ. जो हरियाली जो फ्रेशनेस जो महक उठता है जो पहाड़ जो झरने हमें जो देखने को मिलता है ना इट्स टॉप नॉच होता है यार. सही बता रहे हैं. अभी का ही देख लो पिछली बार मैं और सेम आया था एंड तब का कुछ अलग ही सिनारियो था. तब ऐसा ये हरियाली नहीं खिले थे. ये जो ये पहाड़ वहाड़ ना पूरा वो अलग ही कलर था. बट अभी चेक करें ओ भाई मेरे ये चेक मारो गाइस इट्स सो ब्यूटीफुल. एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो कि नहीं पता नहीं ये तो पूरा लीन होकर बैठा रहे कब गिरेगी पता नहीं कोई गारंटी नहीं है. नोटिस कर रहे हो कि नहीं आपको थोड़ा देर में बताएंगे आपको. बताना कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है कैसा दिख रहा है ठीक है. कल तक तो मुझे कैसा कैसा दिख रहा था बट अभी थोड़ा सा मैं यूज टू हो रखा हूँ एंड इट्स सो ब्यूटीफुल खूबसूरत. जैसे जैसे ऊपर ही भाग चढ़ रहे इंक्लाइन हो रहे वो चिल्डनेस हमें धीरे धीरे मिल रहा है यहाँ पर. वी कैन फील इट. बट रोड यार मतलब मक्खन है रोड मक्खन. पीप पीप डोंट स्लीप क्या बढ़िया लिखा है. पीप पीप डोंट स्लीप सोने का नहीं बट यहाँ पर कौन सोने के लिए आता है यार. यहाँ पर सोने के लिए नहीं यहाँ पर जन्नत महसूस करने के लिए आते. हाँ मैं ऐसा फील करता हूँ. मैं आई लव टू बी इन दी माउंटेन्स एंड ऑल स्पेशली इस तरीके के लोकेशन तो यार मतलब गजब गजब गजब. ये मिस्ट्री मिस्ट्री गो स्लो एंड सही बता रहा हूँ बीआरओ का जो कैप्शन है ना ये पढ़कर राइड करने में और मज़ा आता है और मोटिवेट फील होते हैं हम. जगह जगह पर कोहरा जगह जगह पर धूप जगह जगह पर ठंडी जगह जगह पर गर्मी गर्मी तो नहीं कहूँगा बट फिर भी एटलीस्ट
उस हिसाब से हमें मिलता है यहाँ पर, बट आई लव टू बी हियर गाइस। आज मुझे ना अच्छा इसलिए भी लग रहा होगा क्योंकि मैं लगभग एक महीने के बाद अपना राइडिंग गियर्स पे हूँ विद दिस, सही बता रहा हूँ, क्योंकि जब से यहाँ पर आए तब से हमने इस तरीके से राइड नहीं की थी। हाँ घर जाना हुआ बट तब भी हमने नहीं पहने थे, वो तो क्या यार, वो इसको राइड नहीं करता, बट आज एक छोटा सा स्वीट सा जो भी बोलो, बट मज़ा आ रहा है मुझे इन पहाड़ों में, इन वादियों में घुल कर समेट कर राइड कर कर। हाँ आज ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ देसी ब्लॉगर जिंदा है। नथुला मोड 36 किलोमीटर, बट नथुला हम नहीं जा रहे गाइस, आपको अभी बता दूँ नथुला नहीं जा रहे, वी आर हेडिंग टूवर्ड छांगू लेक एंड वहाँ से स्ट्रेट हम जाएंगे बाबा मंदिर तक। सो यहाँ पर दो चार स्टॉल दिख रहे हमें, लाइक कपड़े का, खाने का नहीं दिखे, सिर्फ कपड़े का, टोपी एंड मफलर यहाँ पर ज़्यादातर दिखाई दे रहा है, यानी कि आगे ठंड मिलने का चांसेस है। खाने का तो एक खाने के ऊपरी भाग में है क्या, बट सारे जो स्टॉल्स है ना वो खुला नहीं है अभी। यहाँ से कंचनजंगा दिखता है अगर अक्टूबर नवंबर में आएंगे तो, अभी फ़िलहाल मौसम काफ़ी ग्लूमी है तो उसके कारण चिंटू भाई यहाँ पर घूम रहा है, ये चक्कर है। बट चाय आई थिंक हर जगह मिलेगी, चाय के चिस्की। अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, एंड छांगू का दर्शन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स बाबा मंदिर की ओर। अभी हमने विटनेस की यहाँ पर हल्की सी बारिश, बट जैसे वो ब्रिज से निकले अभी फिर यहाँ पर थोड़ा सा साफ है, बट यार मतलब आपको मैं कितना बार बोलूँ कि ये हरियाली को चेक करे, ओ भाई मेरे, ये मैंने कभी विटनेस नहीं की थी इस टैरेन पर, सही बता रहा हूँ। ये चेक करे गाइस हमारा डॉन, ओ भाई मेरे बहुत बड़ा है यार ये, यक रास्ते को मतलब ढाक कर अपना गड़ा जमा कर बैठा हुआ है। बारिश ने वेलकम की यहाँ पर हमें, चेक कर सकते हो रास्ते पर धुएं, बड़े तो ब्यूटीफुल आ गया यार, इतना तारीफ करूँ इतना कम होगी, ठंड भी लग रही है, हाँ तो अच्छा खासा नम हो चुका है। ये देखो हमारा बच्चा घोड़ा बेच कर सो रहा है, ये नन्ना मुन्ना, उठ जा मेरे बेटा, उठ जा उठ जा उठ जा। एंड ये चक्कर गाइस हरियाली, पहाड़ को धन, हरियो बन पहाड़ को धन, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड अभी हमें जाने वो चोटी, ये यहाँ पर, दिस इज दी छांगू लेक, एंड चाय एंड हमने ना यहाँ पर केक खाए बिफोर छांगू लेक, एंड अब छांगू लेक जाते दर्शन करते हैं एंड फिर यहाँ से वहाँ से निकलते आगे की ओर, एंड जो स्पेशल चीज़ है जो अनबॉक्सिंग करने के लिए हम आ रखे इस लोकेशन पर वो भी करेंगे आपको, मतलब ऑन द वे करेंगे। बारिश भी थी हल्का हल्का तो उसी के कारण हमने यहाँ पर रुक कर चाय पीने का फैसला की, एंड बारिश भी थमा, चाय भी पीना हुआ, अब निकलते हैं यहाँ से। तो यार
वाटर रिच, इसके उस पार। एंड ये रहा रोपे गाइस, अगर किसी दिन आप छंगू आते हो ना तो रोपे का भी लुफ्त उठा सकते हो। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, वो ऊपर एक चोटी पर जाकर आपको छोड़ देगा। एंड हियर इट सेज रोपे, इंडिया हाईएस्ट अल्टीट्यूड पैसेंजर रोपे। ओके, ओ भाई मेरे। एंड हियर इज द मैग्निफिशेंट ब्यूटिफुल छंगू लेक। वाओ, खूबसूरत गाइस, या क्या कहते हो। गाइस हियर वी रीच द ब्यूटीफुल छंगू लेक, क्या कहते हो। इट्स सो हरियाली यार, मतलब लेक नहीं पहाड़। एंड लेक भी मुझे वही हरा भरा ही दिख रहा है। एंड लेक के उस पार का दृश्य देखे, वाओ यार खूबसूरत यार। एंड या रोपवे गाइस, जिसके बारे में हम जिक्र करते थे वो ये है स्टार्टिंग पॉइंट। एंड वो ये चोटी पर शायद जाकर छूट देगा। ओ रोपवे हमें दिखना दिख रहा है अभी, ये चेक करें। वाओ 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 वाओ, अगर आप छांगू किसी दिन आते हो ना तो आप भी रोपवे का लुफ्त उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद कर लीजिएगा मजे। इस पार आए हैं, लेके इस पार से नज़ारा दिखाने के लिए कोशिश कर रहे, बट फॉग के कारण ना ये फॉग अदला बदली हो रहा है यहाँ पे, मिनटों में मौसम यहाँ पे बदलता हुआ। अभी बारिश नहीं थी बट अभी यहाँ पे देखो बारिश ऑलमोस्ट होने को है। बट दुआ करेंगे बाबा मंदिर तक बारिश ना हो कहकर, बट जो भी बोलो यार, मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल। अच्छा लगा आज का राइड मुझे, सही बता रहा हूँ। टिल छांगू वाज सो अमेजिंग, एंड इस मौसम पर आना, ये वाइब्स कैसे करना, ये एक अलग ही यार मतलब खूबसूरती है। अब सो इस फ्यूचर वीडियो को भी गाइस मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो बाबा मंदिर तक का जो सफ़र रहेगा वो अगले एपिसोड पर रहेगा। बाबा जी का दर्शन करेंगे एंड उसके बाद हम अनबॉक्सिंग करेंगे हमारे यूट्यूब प्ले बटन को, क्या कहते हो। एक्चुअली अनबॉक्सिंग तो मैं यहीं पे भी कर सकता था गाइस, बट नहीं, अनबॉक्सिंग अगला एपिसोड का नहीं, ट्राई करेंगे, क्या कहते हो। तो विद दिस गाइस मैं स्विच वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देता हूं। एंड इफ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब।